let it bang. वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। बहुत दिन बाद एक नया व्लॉग लेके आ चुका हूँ। फिलहाल मैं हूँ चिपलून के अंदर, यहाँ पर मेरा भाई, यहाँ पर मेरे चाचा और बाकी की फैमिली जो है बाहर है। सुबह अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं व्याडेश्वर मंदिर, यहाँ का जो फेमस मंदिर है गणपति का, सॉरी शंकर भगवान का, वहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं फटाफट से। और बाद में मतलब बहुत सारे प्लेस जो है विजिट करने वाले हैं, इस व्लॉग में आपको बहुत मजा आएगा। तो बाकी के लोग भी आ गए यहाँ सब। हाय, और भाई यहाँ पर एक बीच है, इतना सही बीच है ना, 100 मीटर पे यहाँ पर हम लोग ये शाम को जाएंगे। और अभी फिलहाल जो हम लोग कहाँ जाने वाले, ये देखो गाइस, यहाँ के जो घर भी आप देखोगे ना, मतलब हम नॉर्मल जो बिल्डिंग्स बना के रहते वैसे नहीं, मतलब यहाँ पर इन लोगों ने अलग ही ब्रिक्स लगाए क्योंकि ये कोंकण एरिया है ना गाइस, इसलिए। और देखो पूरे ट्रीज आपको यहाँ पर मतलब कोंकण स्टाइल के दिखेंगे सारे के सारे। सो गाइस ये है व्याडेश्वर देवस्थान का जो है, मतलब कोंकण में इसको देवस्थान बोलते हैं, हमारे पे मंदिर बोलते हैं। सो ये देखो यहाँ पर जो है ये टेम्पल है फटाफट से जो है इसके फ्रंट साइड। सो गाइज यर वी आर एट व्याडेश्वर टेम्पल। ये देखो पूरा गाइज, देखो कितना सही है यार, मतलब टेम्पल जो है, मतलब यार ग्रीनरी यहाँ की देखो, और टेम्पल देखो यार, तो मजा आ जाएगा। चलो फटाफट से अंदर चलते हैं, अब यहाँ पर पता नहीं शूट कर। तो फाइनली गाइस हम लोग मंदिर के जो बाहर आ चुके हैं, दर्शन हमारे हो गए, अभिषेक भी हो गया कंप्लीट। तो अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं अब रूम पे, और रूम से हम लोग जाएंगे फिर बाकी के। सो फिलहाल गाइस हम लोग निकल रहे हैं कहाँ पे, हाँ चलेगा तब पर चलेगा, बट मुझे खुद को एक्चुअली सच में मुझे खुद को भी नहीं पता हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी, बट बहुत मजा आने वाला है इस व्लॉग में, तो फटाफट से अभी चलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग जो है बीच पर आ चुके हैं, ठीक है, अभी हम लोग जो है गाइस बीच पर आए, अभी आपको बीच की चौपाटी दिखा दो, ठीक है। फिलहाल बीच तो हम लोग शाम को जा रहे हैं, बट यहाँ की चौपाटी ना माइंड ब्लोइंग है गाइस, बहुत मजा आने वाला है। देखो बीच का बैकग्राउंड, मतलब इतना मजा आ रहा है ना, देखो यहाँ पर बैकग्राउंड इतना कूल है ना। अब मैं आपको सीधा बीच की चौपाटी भी ले जाता हूँ, ठीक है। सो हम लोगों ने दर्शन वर्शन से सब कर लिए, बहुत ही अमेजिंग दर्शन हुए। पहला दिन तो बहुत बढ़िया गया, शाम को जो है बीच पर जेट्टी चलाने वाले, जेट्टी मतलब जो रेसिंग जो होती है, रेस तो नहीं बोल सकते बट बोट रेस, बोट को जो है बोट पे हम लोग जेट्टी जाने वाले बीच, मतलब बीच पर जो है क्या अभी कैसे समझो आपको, भले ही आप शाम को देख लेना, ठीक है, जब समझा दूंगा मैं आपको। सो जस्ट हैव अ व्यू गाइस, सो यू कैन सी, सो अभी हम लोग जो है यहाँ पर आ चुके हैं चौपाटी पे। सो गाइज हम लोगों ने जो नारियल पानी एंजॉय कर लिया चौपाटी पे, और अब जो हम लोग आ चुके हैं बीच पे। एक्चुअली हमारा शाम का प्लान है, बट अभी जो हम लोग सिर्फ बीच देखने आए हैं, हम लोग मजा एंजॉय कर रहे नहीं आए, बीच पे भी नहाने वाले नहीं आए, तो शाम को आएंगे। बट आपको मैं बीच का जो व्यू दिखा रहे, तो ये देखो ये पूरा यहाँ पर यार, शूज पहने हैं अभी, शूज में जो मट्टी जाएगी डेफिनेटली, अब मट्टी जाएगी शूज में, बट कोई नहीं, हम बीच पे तो फुल बीच का एंजॉय लेंगे। अब पता नहीं यहाँ पर दिख रहा तो नहीं मुझे कि आपको दिख रहा है कि नहीं, बट ये देखो गाइस पूरा हम लोग बीच पे आ चुके हैं पूरा, और यहाँ पर बहुत कड़क धूप जो है आ रही है अभी। सो अभी बीच जा रहे हैं फाइनली, ठीक है सब लोग। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं, जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देखे हवा
जाऊं मैं अगन। अरे अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, जाने क्या कहूं उस पे क्या लिखा है। गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें, घायल हुआ मैं उस पल से इसमें। नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर। ऐ दिल तू बता रे नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर। ऐ दिल तू बता रे थे धागे, पर पाजी निकला ये हमसे आगे।